हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट्स गुरुजी। आज हम डिस्कस करेंगे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स कंपनी के बारे में। ये देखिए, ये एक इंटीग्रेटेड मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है मुंबई में। और ये कंपनी देखिए, ये पूरा डाइवर्सिफाइड कंपनी है। जैसे ये ओशन एंड एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, कंटेनर फ्रेट सॉल्यूशंस, इनलैंड कंटेनर डेपो, प्रोजेक्ट कार्गो यानी जो प्रोजेक्ट का जो बॉयलर्स जो होते हैं वो एक जो ट्रांसपोर्ट करना, और जो इक्विपमेंट रेंटल्स, कोस्टल शिपिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स। और ये कंपनी का देखिए ग्लोबल नेटवर्क है, 300 से ज़्यादा इनका जो ऑफिसर्स है और इनका जो प्रेजेंस है वो 164 कंट्रीज में है। और कंपनी का जो कंटेनर फ्रेट सर्विस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन है जिसे हम CFS कहते हैं, ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है इनका। और इनके पास देखिए बेस्ट इन क्लास इक्विपमेंट है, ये एक लीडरशिप पोजीशन में है प्रोजेक्ट फॉरवर्डिंग बिजनेस में, और ये इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है प्रोजेक्ट फॉरवर्डिंग एंड क्रेन रेंटल कंपनी। और देखिए, ये सिर्फ एकमात्र ऐसी लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिसके पास सिग्निफिकेंट ये प्रेजेंस है ऑल मेजर तीनों जो कंटेनर पोर्ट है इंडिया में। और ये कंपनी के बारे में कुछ हाइलाइट्स जान लेते हैं। देखिए, ये जो कंपनी का जो CFS है जो कोलकाता में जो स्टार्ट होने वाला है, उसका जो कैपेसिटी है वो 1 लाख TU है यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, मतलब एक कंटेनर होता है, मतलब 1 लाख कंटेनर स्टोर करने का कैपेसिटी है। और उसके अलावा देखिए, कंपनी का जो यूटिलाइजेशन लेवल मुंद्रा पोर्ट में बढ़ने वाला है, और JNPT का जो फोर्थ टर्मिनल जो करंट ईयर FY18 में जो स्टार्ट होने वाला है, उससे क्या होगा, कंपनी का जो वॉल्यूम बढ़ेगा। और ये कंपनी देखिए, ये इनका जो प्रेजेंस है ये कहाँ कहाँ पर, इनके 2 CFS है JNPT में, एक है मुंद्रा में, चेन्नई में, और एक जो कोलकाता में आ रहा है और खेड़ा में है और दादरी में है। अब देखेंगे कंपनी के प्रेजेंस और उनके जो कैपेसिटी कितने हैं। देखिए, मुंद्रा में है इनका प्रेजेंस, मुंबई, दादरी, कोलकाता में जो अपकमिंग है, पीतमपुरा, नागपुर, हैदराबाद, चेन्नई। देखिए, इनके जो लैंड बैंक है, हैदराबाद में इनके पास अराउंड 40 acres का लैंड है, बेंगलोर में 110 acres का लैंड है, और इनके पास टोटल देखिए अभी कितना है, अराउंड 200 acres का इनके पास लैंड बैंक है। और ये कंपनी के बारे में देखिए, इनका जो बिजनेस वर्टिकल्स कौन कौन से हैं, इनके 3 business vertical है जैसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन, और दूसरा है CFS, और तीसरा है प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। ये जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, इसमें ये कंटेनर्स को जो ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू शिप, और इनके पास जो दूसरा बिजनेस है कंटेनर फ्रेट सर्विसेज, इसमें ये कंटेनर स्टोर करता है, इनके पास जो फैसिलिटी है। और इनके पास देखिए 200 acres का लैंड बैंक है, और इनके पास जो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग बिजनेस है ये, इसमें ये कार्गो शिफ्ट करता है। और अभी हम देखेंगे सर्विसेज प्रोवाइड बाय द कंपनी ओवरऑल। देखिए, जैसे कि ये एक्सपोर्ट LCL कंसोलिडेशन, इंपोर्ट LCL डीकंसोलिडेशन, गेटवे सर्विसेज, डेंजरस गुड्स हैंडलिंग, कस्टमर क्लियरेंस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स, ये सारी वेयर हाउसिंग, ये सारे सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी हम देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से कितना आता है। देखिए, MTO यानी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन अराउंड 85%, CFS से 7%, और जो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग है इक्विपमेंट वहाँ से 8%। अब जानते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। देखिए, कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट देखिए, FY16 में 5,701 crore का इन्होंने जो रेवेन्यू किया था, और जो नेट प्रॉफिट था इनके पास अराउंड 282 crore का इनका जो नेट प्रॉफिट था। और वो FY17 में देखिए थोड़ा स्लाइड डिप आया था, जिसमें इनका जो टोटल रेवेन्यू था 5,583 crore, और जो नेट प्रॉफिट था अराउंड 230 crore। और देखिए, इनका जो ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू वाइज लास्ट 5 साल का अगर हम देखेंगे तो अराउंड 13% और नेट प्रॉफिट अराउंड 4% का CAGR ग्रोथ हुआ है। और कंपनी का देखिए, इनका जो फ्लीट स्ट्रेंथ, इनके पास जो क्रेन्स है वो अराउंड 135 cranes, 407 trailer, और देखिए 5 ships है, 201 हाइड्रोलिक एक्सेल्स है, और टोटल इनके पास जो इक्विपमेंट है वो अराउंड 823 ये फ्लीट है। और कंपनी के बारे में कुछ न्यूज़ देखिए, जैसे कंपनी का जो मैनेजमेंट कह रहा है कि आने वाले सालों में यानी FY18 में कंपनी का जो CFS का जो वॉल्यूम ग्रोथ होगा वो 5-7% होने वाला है। और कंपनी ने देखिए, इन्होंने जो 300 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट का इन्होंने जो ये डिसीजन लिया है जहाँ पे कोलकाता में इनका जो आ रहा है फैसिलिटी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो GST इम्प्लीमेंट हुआ है, इससे क्या होगा कि जो लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ हैं इनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और देखेंगे कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज़, जैसे कि देखिए पॉजिटिव्स
ये है कि इनका जो मैनेजमेंट है ये बहुत मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स है और ये एक मार्केट लीडर पोजीशन पर है इंडिया में लॉजिस्टिक्स बिजनेस की। उसके अलावा कंपनी जो लॉजिस्टिक्स पार्क के जो बिजनेस में ये एंट्री कर रहा है, इससे क्या होगा, कंपनी के लिए नया ग्रोथ एवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए, ये सबसे बड़ा कंपनी है प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स इक्विपमेंट लीजिंग बिजनेस में और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट LCL यानी लेस कंटेनर लोड कंसोलिडेटर है। और इनके पास जो एक्सपेंशन चल रहा है अभी जो कोलकाता में है और जो भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, इससे क्या होगा, कंपनी का जो रेवेन्यू आने वाले सालों में और क्वार्टर में बढ़ने वाला है। और इनका जो देखिए, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स बिजनेस है इसको बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। और अगर हम देखेंगे करंट इसका जो मार्केट प्राइस है वो अराउंड 170 है और इसका जो मार्केट कैप है वो अराउंड 4150 करोड़ है और मुझे लगता है यहाँ से ये डिसेंट ग्रोथ देना चाहिए इन्वेस्टरों को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।